तो मैं और मेरी टीम इस फोन को अराउंड 11 महीने से यूज कर रहे हैं, बस दो ही महीने ज्यादा हुए हैं। और जैसे ही हमने Realme 10 Pro Plus की अनबॉक्सिंग आपके तक पहुंचाई, सीधे कमेंट बॉक्स में आपने लाइनें लगा दी, भाई 9 Pro Plus, 10 Pro Plus, कैमरा कंपेरिजन। तो भाई ये हमारे लिए लाना जरूरी हो गया था, तो हमने एज सून एज पॉसिबल हमारी टेस्टिंग डन करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। ऐसे ही कमेंट्स डालते रहा करो, अब से हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, जो जो हमें लगेगा कि हाँ ये टॉपिक आना चाहिए वो आपके लिए सबसे पहले लाने का ट्राई करेंगे, और वो भी इन डेप्थ टेस्टिंग के साथ। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली कैमरा कंपेरिजन करने वाले हैं Realme 9 Pro Plus का Realme 10 Pro Plus के साथ। कौन सा विनर है अराउंड ये 8-9 महीने के बाद लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली अपग्रेड तो होना चाहिए। और अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए कि क्या स्पेसिफिकेशन में अपग्रेड है, क्या कुछ आपको मिलता है, तो उसके लिए आप आई बटन में जाके देख सकते हो, हमारे ऑलरेडी वीडियो जा चुकी है। अब तो दोनों ही फोन अपने साथ ट्रिपल रेयर कैमरास को लेके आते हैं, इसमें दिखते दो हैं लेकिन है तीन। यहाँ पे आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है 50 मेगापिक्सल का, और ये सोनी IMX766 के साथ आता है। प्लस इसमें एक बहुत बड़ी चीज इंट्रोड्यूस की गई थी और वो थी OIS, और ये डेफिनेटली काम करता था। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वही Realme 10 Pro Plus 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है, और ये Samsung का HM2 सेंसर है। वही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और यहाँ भी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देने से Realme बिल्कुल नहीं चूका। डेफिनेटली नंबर्स में बहुत बड़ा अपग्रेड लग रहा होगा कि 50 से 108 हो गए तो पिक्चर क्वालिटी होगी वो डेफिनेटली 1.5-2 गुना तो हो ही जानी। लेकिन चलिए इसको साथ ही में टेस्ट करते हैं कि कितना दूध है और कितना पानी है। और दोनों ही फोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, तो चलिए हम सबसे पहले सेल्फी से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये है इन दोनों की सेल्फी वीडियो 1080p में, और अभी मैं बिल्कुल लाइट के अपोजिट हूँ, और लाइट कंट्रोल मुझे Realme 9 Pro Plus का अच्छा लग रहा है अभी तक। तो ये वीडियो हमने दोनों ही फोन से इसके मैक्सिमम 1080p 30fps में ली हुई है। अगर मैं बात करूँ इनकी क्वालिटी की, तो लाइट कंट्रोल मुझे Realme 9 Pro Plus का ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू 10 Pro Plus की, और स्टेबिलाईजेशन भी Realme 9 Pro Plus का ज्यादा अच्छा है। वहीं Realme 10 Pro Plus में थोड़ी डिटेल्स हमको ज्यादा दिखती हैं, कलर्स थोड़े और ज्यादा सैचुरेटेड दिखते हैं, थोड़े आई कैची दिखते हैं। और ऐसे ही हमने बहुत सारे वीडियोस लिए हैं, सब में जो विनर है वीडियो रेस्टिंग में सेल्फी में वो Realme 9 Pro Plus है। और वहीं अगर बात कर ली जाए सेल्फी कैमरा में फोटोज की, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे Realme 9 Pro Plus अच्छा निकल के आ रहा था लाइट कंट्रोल में, वहीं Realme 10 Pro Plus का लाइट कंट्रोल ज्यादा अच्छा दिखने लग जाता है। लेकिन इस वाली फोटो में अराउंड दोनों ने सेम काम किया है। वहीं अगर सेचुरेशन की बात की जाए, थोड़े से आई कैची कलर्स की बात की जाए, तो Realme 10 Pro Plus यहाँ भी थोड़ा सा आगे निकलता है। और जब हमने आर्टिफिशियल लाइटिंग में सेल्फी को टेस्ट करा, तो Realme 10 Pro Plus ने पूरी तरीके से वाइट कर दिया फोटो को, जो डेफिनेटली यूजफुल नहीं है। वहीं Realme 9 Pro Plus ने एक अच्छी सेल्फी निकाल के दी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्टिफिशियल हो चाहे बाहर की लाइटिंग हो, हर चीज में यहाँ पे अच्छी सेल्फी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स डेफिनेटली Realme 10 Pro Plus ज्यादा अच्छी दिखाता है, लेकिन कलर्स, सेचुरेशन, स्किन टोन, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको Realme 9 Pro Plus में ज्यादा अच्छी सी दिखती हैं। तो ये हमने देखा सेल्फी कैमरा को, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं, स्लाइटली Realme 9 Pro Plus थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो टाइम के साथ और ज्यादा अच्छी हो गई है। Realme 10 Pro Plus के साथ भी शायद हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए Realme 9 Pro Plus की सेल्फी को मैं पिक करूंगा। और अब बात करते हैं इन बड़े बड़े कैमराज की, तो ये वाली फुटेज देखो, ये एक 4K 60fps फुटेज है। OIS होने की वजह से Realme 9 Pro Plus की फुटेज जो है वो ज्यादा स्टेबल दिखती है एज कम्पेयर टू 10 Pro Plus के, और Realme 10 Pro Plus तो पूरी तरीके से हिला दे रहा है वीडियो को भाई। वहीं अगर बात करें कलर्स की, तो 10 Pro Plus काफी सैचुरेटेड से कलर निकाल के देता है, और Realme 9 Pro Plus क्लोज टू नेचुरल जाता है, और यही चीज बहुत सारे टेस्ट में हमने देखी। तो अगर वीडियो कंपैरिजन की बात की जाए, तो Realme 9 Pro Plus यहाँ है, तो Realme 10 Pro Plus यहाँ है। लेकिन अगर बात की जाए ऑटो फोकस की, तो यहाँ पे Realme 10 Pro Plus आगे निकल जाता है, Realme 9 Pro Plus में इतना अच्छा ऑटो फोकस नहीं। दोनों में ही अपनी अपनी जगह आपको स्लो मोशन वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, लेकिन OIS होने की वजह से Realme 9 Pro Plus यहाँ पे काफी स्टेबल सी और काफी अच्छी सी फुटेज लेने में काफी सक्षम निकलता है, लेकिन Realme 10 Pro Plus इतना नहीं है। बाकी आपके खुद के जजमेंट के लिए हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक की हैं Realme 9 Pro Plus और 10 Pro Plus को साइड बाय साइड रख के। चलिए साथ में देखते हैं कि किसने कितना अच्छा काम किया है। सबसे पहले ये वाली फोटो देखो, सब कुछ कितना बैलेंस सा लग रहा है, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे कलर्स, सब कुछ एकदम स्मूथ वे में अरेंज्ड लग रहा है। वहीं Realme 10 Pro Plus ने सब्जेक्ट को तो काफी अच्छे से दिखाया है, लेकिन बैकग्राउंड को पूरी तरीके से वाइट कर दिया है। और Realme 10 Pro Plus की फुटेज में थोड़ा सा रेडिश टोन रहता है एज कम्पेयर टू Realme 9 Pro Plus के। और किसी भी आउटडोर फोटो को अच्छा बनाने के लिए उसमें डायनेमिक रेंज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब अच्छी डायनेमिक रेंज का।
और ये चीज Realme 9 Pro Plus समझता है। काफी अच्छी तरीके से Realme 9 Pro Plus ने डायनेमिक रेंज को बैलेंस करके रखा है हर फुटेज में, लेकिन 10 Pro Plus इससे बहुत पीछे है। और इस चीज को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए हमने पोर्ट्रेट मोड में बहुत सारी पिक्चर्स को लिया है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का आप काफी अच्छे तरीके से आइडिया ले सकते हो। तो इन फोटोज को गौर से देखो, यहाँ पे Realme 9 Pro Plus का एज डिटेक्शन काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू 10 Pro Plus के। 10 Pro Plus कई बार कुछ काट देता है, कई बार कुछ काट देता है, तो ये चीजें अभी Realme 10 Pro Plus के साथ सुधरना बाकी है। और इतने से हम नहीं रुके, हम और ज्यादा गहराइयों में जाना चाहते थे, इसके लिए हमने किया नाइट टेस्ट। यहाँ पे अगर बात की जाए साइड बाय साइड फोटोज की, तो Realme 10 Pro Plus की फोटो ज्यादा ब्राइट आती है, लेकिन Realme 9 Pro Plus में ज्यादा डिटेल्स रहती है OIS की वजह से। और अब बारी आती है असली टेस्टिंग की, 50 megapixel वर्सेस 108 megapixel। दोनों ही फोनों में अलग अलग मोड है जहां पे आप 50 megapixel और 108 megapixel पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। और हमने ये चीज देखी कि 108 megapixel की फोटो को आप ज्यादा जूम कर पाओगे, वहां पे आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल्स दिखेंगी। वहीं 50 megapixel सेंसर भी कुछ कम नहीं है, ये भी अपनी तरफ से काफी अच्छी डिटेल्स को कैप्चर किए हुए हैं। तो आप इनको खुद से देखो और खुद से जजमेंट दो कि आपको इनमें से कौन सी ज्यादा बेटर लग रही है। मेरे हिसाब से यहां भी मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी 9 Pro Plus को रखूंगा। पता नहीं 50 megapixel क्यों ज्यादा अच्छी और आई कैची फोटोज दे रहा है एज कंपेयर टू 108। एंड वेट, अगर यहां तक आपने पूरा रिजल्ट बना लिया है कि हाँ Realme 9 Pro Plus ज्यादा बेटर है, तो अब टाइम आता है अल्ट्रा वाइड सेंसर का। और यहाँ पे चीजें अगेन चेंज हो जाती हैं। दोनों में ही 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन 10 Pro Plus का जो सेंसर है वो ज्यादा इंप्रूव्ड नजर आता है, ज्यादा डिटेल्स दिखाता है, कलर्स भी ज्यादा 10 Pro Plus के अच्छे आते हैं। ये वाली वीडियो जो है वो हमने अल्ट्रा वाइड में टेस्ट करी है, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन तो Realme 9 Pro Plus की अच्छी है, लेकिन 10 Pro Plus में ज्यादा अच्छी डिटेल्स और ज्यादा अच्छे कलर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये था इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन। हमने अपनी टेस्टिंग में पाया कि Realme 9 Pro Plus अभी भी फार बेटर है एज कम्पेयर टू 10 Pro Plus के। 10 Pro Plus में बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं, जहां पे इसकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन को और ज्यादा बेहतर बनाना Realme को बाकी है। लेकिन Realme 9 Pro Plus एक ऐसा फोन है जो आपको डिस्काउंट के बाद अराउंड 20,000 या फिर इससे भी कम में मिला हुआ है, तो अगर इतना डिस्काउंट आपको मिलता है तो ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इस कर्व डिस्प्ले वाले 10 Pro Plus के। तो डेफिनेटली इसको मैं चूज करूंगा, और बाकी अपडेट्स के बाद शायद सिनेरियो चेंज हो सकता है, लेकिन एज प्रेजेंट। तो दैट्स ऑल यार, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारी ऑनेस्टी से रिलेट कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।